न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई में छाई धुंध की परत, जहाँ होगी हिंदुओं की अच्छी संख्या वही रहेंगे सुरक्षित। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के लिए भाजपा और आप जिम्मेदार। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। मुंबई में छाई धुंध की परत, ठंड का मौसम आने वाले हैं और इसका शुभारंभ होते मुंबई में दिख रहा है, लेकिन प्रदूषण के चलते ठंड की जगह धुंध की जगह प्रदूषण की धुंध सुबह नजर आने लगी है। मुंबई के कुछ हिस्सों में सोमवार की सुबह धुंध की परत छाई रही, क्योंकि शहर में कुल वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 8 बजे यहाँ AQI 131 दर्ज किया था, जिसे मध्यम श्रेणी में रखा गया है। आई बढ़ती खबर क्यों, जहां होगी हिंदुओं की अच्छी संख्या वही रहेंगे सुरक्षित। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने रविवार को बातचीत के दौरान कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बांटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिंदू समाज को एक रहना चाहिए और यही समय की मांग है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यह समय की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ हिंदू अच्छी संख्या में वहाँ पर कोई सुरक्षित होता है, लेकिन जहाँ हिंदुओं की संख्या कम होती है तो नरसंहार शुरू हो जाता है। ये बढ़ती हुई खबर क्यों, दिल्ली प्रदूषण की समस्या के लिए भाजपा और आप जिम्मेदार, आलोक शर्मा। दिल्ली प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सियासत जारी। एक तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि पड़ोसी राज्यों से आ रहा प्रदूषण दिल्ली की समस्या को बढ़ा रहा है। आलोक शर्मा ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से निगम में भाजपा काबिज रही और केंद्र में भी उसका शासन है। वही पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सत्ता में। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाइक्रो जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर देखते हैं, आप इस यूट्यूब फ्लाइट भी दे सकते हैं। अब वक्त जो दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया में खबरें, बने रहिए MNS News TV पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज बिश्नोई और आप देख रहे हैं MNS News। आप देख रहे हैं MNS News।